पहले हमें क्या करना चाहिए बोलो ना? पहले हमें स्नान करना चाहिए या पहले हमें अमिया तोड़नी चाहिए? जेरा, जेरा, ये तेरे बाव के पास पड़ा एक पत्थर। वाह, जेरा, ये पत्थर तो बहुत बड़ा है। जानकी, इसी से जानकी ले। भाभी कहाँ खो गई? भाभी क्या होगा? आप भी ध्यान दो ना, पेट में चूहे कूदे हैं। मुझे अचानक विचित्र सा लग रहा है, सब ठीक तो होगा ना? ये क्या कर रहे हैं आप? ये नीलमणि के पालने के पास क्यों आना पड़ा आपको? हमें पालने के पास क्यों आना? हाँ, वो नीलमणि की माला पालने में गिर गई थी, तो हमने सोचा वही पहना दे। ये देखिए ये माला लाइए, मैं पहना देती हूँ। हाँ, पहनाइए। वैसे आपको क्या लगा कि हम बालक को कोई क्षति पहुंचाना चाहते हैं? अरे ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम तो उसके नाना जैसे हैं। तभी तो यशोदा हमें इसके पास छोड़कर गई है, बहुत विश्वास करती है वो हम पर। नीलमणि के बारे में यशोदा किसी पे विश्वास नहीं करती। अच्छा, पहनाइए पहनाइए। प्रभावती चाची, आप तो कह रही थी कि जशोदा भाभी का एक भी निशाना ना चूकता, पर आज तो एक भी ना लग रहा है। लगता है आज तो बिना आम खाए घर जाना पड़ेगा। पहली बार लल्ला से इतनी दूर आई हूँ ना, मन लौट लौट के उसी के पास जा रहा है। मुझे ना नीलमणि की चिंता हो रहा है, शायद इसीलिए निशाना ना लग रहा हूँ। अरे महाराज को छोड़ के आई हो ना तुम लल्ला के पास, और आते आते रोहिणी रानी को भी तो बोला है ना, कहा था कि नहीं? और नहीं तो क्या, इसलिए आप वहाँ की चिंता छोड़ो जशोदा जी, यहाँ ध्यान दो। जे बित्ते भर की छोरिया नाम में बट्टा लगा रही है। हाजी जी, लगाओ आम पे निशाना और दिखा दो कि नीलमणि की मैया हो। ये पत्थर चाहे भी ना तो अभी आपका निशाना चूक ना सके। हाजी जी, वरना लल्ला के कहेगा कि मैया ऐसे ही वापस आ गई, एक काम भी ना ले पाई। तो जे बात है तो दो पर पत्थर, दिखाती हूँ मैं भी कि नीलमणि की मैया क्या कर सकती है। भोग लगाओ फिर जितना मन करे खाओ, और पेट भरे तो लेट जाओ। कौन हंस रहा है? बड़ा खिलखिला रहा है, प्राण बचेंगे नहीं तेरे। आपने मेरी मैया को प्रसन्न किया है, इसका फल आपको अवश्य दूंगा मैं। मुझे फल देने चला है तू? अरे दूंगा तो मैं तुझे, वो भी मृत्यु। इसका अर्थ है लल्ला के प्राण संकट में, और हमें उस षड्यंत्रकारी के बारे में कछु पतो न है। भैया, हमें लेख पत्र जांचने होंगे। यदि कोई बाहरी व्यक्ति गोकुल में आए होगो
तो उसके बारे में हमें सब लेखा जोखा पता चल जाएगा। तुम सही कह रहे हो नंद, मैं अभी प्रबंध करवाता हूँ। पता नहीं उन गुप्तचरों ने क्या बताया होगा। यदि नंद को मेरे बारे में कुछ भी पता चल गया तो नहीं नहीं समय रहते ही कार्य समाप्त करना होगा। धीरे कीजिए महाराज, नीलमणि भयभीत हो जाएगा। क्षमा करना बेटी, वृद्धावस्था में यदि पेट रिक्त रहे तो वायु विकार हो ही जाता है। यशोदा कह रही थी कि भोजन तैयार है, यदि तुम परोस दो तो ये वृद्ध भोजन कर लेगा और वायु विकार से मुक्ति मिल जाएगी। ताई जी आप जाइए, इन ढोंगी महाराज को भरपूर शांति दूंगा आज। अभी लाते हूं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, सुखी रहो खुश रहो। कौन बचाएगा तुझे? गोकुल में किसने प्रवेश किया, कब प्रवेश किया और कब यहाँ से निकलो, इसमें सारा लेखा जोखा है। इससे हमें सारी जानकारी वहां से मिल जाएगी। द्वार बंद किसने किया, खुल क्यों नहीं रहा है? लगता है फंस गया है। कोई है? श्रीधर महाराज सहायता कीजिए, लगता है द्वार फंस गया है। अब सूक्ष्म बुद्धि की बुद्धि से कौन बचाएगा तुझे? पीछे देखो पीछे। ये बेलन अपने आप हवा में कैसे उड़ गया? श्रीधर महाराज, हो क्या रहा है? ये कैसा इंद्रजाल है? मैया का बेलन है, लल्ला के शत्रु का पीछा इतनी आसानी से थोड़े ही छोड़ेगा। द्वार खोलिए। ताई जी, महाराज तनिक व्यस्त है अभी पिटने में। ये ध्वनियां कैसी हैं? श्रीधर महाराज, श्रीधर महाराज द्वार खोलिए। सच्ची कहूं जीजी, तो मुझे तो लगो ही ना था
कि आपके हाथों में अभी भी उतनी कुशलता बची होगी जितनी की पहले थी। इतने बरस हो गए पर जसोदा तो तुम तनिक भी ना बदली। कुछ समय के लिए सबसे दूर अवस्थी हुई थी किंतु भीतर से तो आज भी वही जसोदा हूँ। मुँह में मिठास बहुत है और इस मी में खटास बहुत है। यही तो जीवन है, खटास और मिठास का संगम है कि ना। ला दे इमली दे। यदि मेरे लल्ला को भूख लगी आई ना तो बहुत रोएगो। मुझे घर जाना पड़ेगा। अरे सब साथ ही जाएंगे ना, तनिक आम तो खा लो। लेख पत्र के विवरण से तो यही पतो चल रहा है कि जो भी व्यक्ति कुछ समय पहले गोकुल में आयो था वो वापस लौट गयो है। परंतु एक को छोड़कर। कौन? श्रीधर महाराज। तू पकड़ में, अब मजा चखाता हूं। बालक, बहुत हो गया तेरा खेल बालक, अब तुझे और समय व्यर्थ नहीं करने दूंगा। कुछ अनुचित तो नहीं कर रहे हैं श्रीधर महाराज? उचित अनुचित में समय व्यर्थ करो तुम, मैं वही कर रहा हूँ जो करने आया हूँ, विष्णु अवतार का अंत। हाँ, हमें स्मरण हुआ, वो अन्य दासियां बता रही थी कि ना तो वो ढंग से चल सकते है और ना ही ढंग से खड़ा हो सकते है। लल्ला! अरे चिची कुछ देर तो रुको, आम तो खा लो। अरे तुम सब समझना नहीं, मुझे कछु ठीक ना लग रहा है, मेरी छठी इंद्री भी संकेत दे रही है, मैं घर जा रही हूँ अपने लल्ला। अरे भाभी रुको, अरे भाभी, यशोदा भाभी। तो अब मैं आपको अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन दूंगा। अरे अरे, देख नहीं पाओगे तो मारोगे कैसे? आंखें खोलने की चेष्टा तो करो।
प्रभु। ये ज्ञान का प्रकाश है श्रीधर, इससे आप सदैव बचते ही रहे हैं। आपके पास बुद्धि तो है किंतु ज्ञान नहीं। आप महान ऋषि शुक्राचार्य के मानसिक शिष्य हैं। आप स्वयं को ज्ञान से और दूर मत रखिए। अब अपने भीतर के अंधकार को इसमें समा जाने दीजिए। कब तक अधर्म की छाया में रहेंगे हम? एक पग आगे बढ़िए और स्वयं अनुभव कीजिए क्या अनुचित था और क्या उचित है। आपने अधर्म के अंधकार में अनेकों दुष्कर्म किए हैं, अब धर्म के प्रकाश के सामने समर्पण कीजिए। प्रभु, मैं मूर्ख जब से यहां आया हूं आपके प्राण लेने का प्रयास कर रहा हूं, पर आप मुझे ज्ञान के प्रकाश का आशीर्वाद दे रहे हैं। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु, आपकी लीला अपरंपार। अब आप आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके हैं श्रीधर। मेरी इच्छा है कि आप इस ज्ञान का प्रयोग समाज के कल्याण के लिए करें। स्वस्मय स्वल्पम समाजाय सर्वस्व, अर्थात अपने लिए केवल आवश्यकता के अनुसार, शेष सब समाज के लिए। रोहिणी चीची, आपको किसने मन करो? जब मेरे और उस महाराज के अतिरिक्त यहाँ कोई है ही नहीं तो तुम बताओ किसने किया होगा मुझे बंद? तुम ठीक तो है ना लल्ला? हाँ? आज तक अपने लल्ला को अपने से दूर ना करो मैंने, आज पहली बार आप पर विश्वास करके गोपियों के साथ गई थी। आदर से पूछ रही हूं महाराज, सत्य बताओ क्या कर रहे थे आप? आपने सुनी भैया यशोदा ने क्या कही? कि वो आज पहली बार लल्ला को छोड़कर इस भवन से बाहर गई और जे है गयो। यदि उसे पता चलेगो कि ये पाखंडी बाबा यहां क्यों आयो है और उसके लल्ला के प्राण संकट में हैं, तो फिर कभी वो इस भवन के बाहर पग न धरेगी। मैं समझता हूं नन्न, पर इसने यदि स्वयं ही सब मान लियो तो? दोनों की चिंता उचित है। इतनी कठिनाई से मैया पूतना की घटना भूल पाई थी। इतना तो मैं समझ गई हूँ, जो आप दिखते हो वो आप हो ना। सत्य बताओ कौन हो आप और आपका उद्देश्य क्या था? ये क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ। चोरी करने आए थे यहाँ, नीलमणि की माला चुरा रहे थे। मैंने पकड़ लिया तो बहाना बनाने लगे।
अवश्य ही और अधिक मूल्यवान वस्तुएं और आभूषणों को चुराने के लोभ में इन्होंने मुझे भीतर बंद कर दिया और बाहर पूरा भवन उथल पुथल कर दिया। ये सत्य कह रही है? सत्य है। रुक जाइए श्रीधर, मैया को मेरा सत्य मत बताइएगा। एक कैसी लीला है प्रभु, आपका आदेश है कि मैं सत्य नहीं बोल सकता, पर आपका दिया सद्ज्ञान पाकर अब मैं झूठ भी तो नहीं बोल सकता। मौन धारण करना हो या स्वर उठाना हो, कार्य परिस्थिति के अनुसार ही करना चाहिए। वैसे आप यहाँ चुराने ही तो आए थे मेरे प्राण। मौन क्यों हो गए बताओ? ये सत्य है, आप चोरी करने आए थे। ये असफल उसके सामने पहुंचेंगे। हमें पता है किसने भेजा है तुम्हें। हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा नंदराज। आप यहां से जीवित इसलिए लौट कर जा पा रहे हैं क्योंकि मैं हिंसा का विरोधी हूं और मैं नहीं चाहता कि यशोदा को पता चले कि उसके लल्ला के प्राण बड़े संकट में। पर अब ध्यान रहे महाराज कि आप लल्ला के तो क्या, गोकुल के भी निकट दिखाई दिए तो मैं वो कर बैठूंगा जो मैंने आज तक ना किया। मैं क्षमा प्रार्थी हूं महाराज। आप मौन क्यों हैं? कुछ कीजिए, ऐसा लग रहा है कि आपका ये अस्त्र भी असफल हो जाएगा। इतने दिन बीत गए हैं, अभी तक लौटा नहीं है, ना ही कोई सूचना भिजवाई है। सूक्ष्म बुद्धि श्रीधर, इसके रक्त में पराजय है ही नहीं, क्योंकि वो शक्ति से नहीं छल से कार्य करता है। विष्णु जैसे छलिए के लिए सूक्ष्म बुद्धि श्रीधर से अधिक उपयुक्त कोई हो ही नहीं सकता। महाराज, जिसे आप छलिया समझ रहे हैं महाराज, वो तो सृष्टि के रक्षक हैं, पालनहार हैं वो तो। मेरी बात मान लीजिए महाराज, उनके प्राण लेने का प्रण त्याग कर अपने मन के अंधकार के प्राण लीजिए।
स्वीकार कर लीजिए उनकी कृपा। मस्तिष्क फिर गया है क्या? मस्तिष्क फिर नहीं गया है महाराज, बल्कि जीवन में पहली बार सही कार्य कर रहा है। और उनका सत्य आप भी जितना शीघ्र जान लेंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। कैसा सत्य? यही कि गोकुल में पल रहे उस बालक के रूप में स्वयं विष्णु धरती पर आए हैं। यदि तुम ये सत्य जानते हो तो हत्या क्यों नहीं की उसकी? बड़े आत्मविश्वास से कहा था ना, प्राण ही ले लूं तो अब क्या हुआ? उनके प्राण कैसे ले लेता महाराज, जो स्वयं जीवन देने वाले, जैसे मुझे जीवन दिया। मैं रंगे हाथों पकड़ा गया था महाराज, किंतु बिना किसी दंड के सुरक्षित यहां तक आ गया। क्या यह प्रभु की कृपा से मिला हुआ नवजीवन नहीं है? ये आपके सामने आपके शत्रु का गुणगान किए जा रहा है और आप अभी भी मौन हैं। यदि वो जीवन देता है तो मैं जीवन लेता हूं। अब तेरा जीवन लूंगा, यदि फिर से उसका बखान किया तो। महाराज, आपकी इस तलवार का भय अब मुझे सत्य कहने से नहीं रोक पाएगा। श्रीधर, इससे पहले मैं भूल जाऊं कि तू गुरु शुक्राचार्य का शिष्य है और मेरा पुराना मित्र है, चला जा यहां से। चला जा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आप क्या करेंगे महाराज? आपकी ये चाल तो असफल हो गई। कैसे? कैसे असफल हुई मेरी ये चाल अस्ती? इसे विष्णु के अवतार का सत्य पता करने के लिए ही तो बुलाया था मैंने, और वो सत्य मेरे सामने है कि विष्णु का अवतार कौन है और कहां है। विष्णु, विष्णु, विष्णु। हे नारायण, आपका कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने हमारे नीलमणि की रक्षा की। परंतु क्या होगा? हाँ, मुझे बताओ तो सही, कुछ तो अवश्य है जो आप छुपा रहे हो। आपको इससे पूर्व कभी ऐसी चिंता और क्रोध में तो ना देखो है मैंने? मुझे बताओ तो क्या बात है जो आपको ऐसे भीतर ही भीतर खाए जा रही है? जो भी है मैं संभाल लूंगा। बात को समझो यशोदा, मैं तुम्हें ना बता सकता। आप अपनी पत्नी को भी ना बता सकते? मैं अर्धांगिनी हूं आपकी, मुझसे तो साझा करो। हो सकता है आपका दुख चिंता आपकी पीड़ा बांट पाऊं मैं? बताओ तो क्या हुआ है? सब बात तुम्हें बताऊं जो आवश्यक ना है यशोदा।
यशोदा। जब पति अपने मन का रहस्य अपनी पत्नी से भी साझा ना कर सके तो उनके एक दूसरे से बात करने का लाभ है क्या? ये तो गड़बड़ हो गई। अब जे आएंगे और अपनी मीठी मीठी बातों से मुझे मनाने का प्रयत्न करेंगे। किंतु इस बार उनकी एक ना सुनूंगी मैं। हाँ यशोदा, 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 मेरी बात तो सुनो यशोदा। तू क्यों मुस्कुरा रहे है? तेरी मैया को मनाना आता है मुझे, तू बस देख तो जा। वाह, इतनी शीघ्र हार मान गए। तू क्यों मंद मंद मुस्कुरा रहे है रे? क्योंकि आपका क्रोध भी बड़ा मनोहर है मैया। देखियो लल्ला, इस बार तेरे बाबा बिल्कुल ना मना पाएंगे मुझे। हाँ जे मथुरा से लेकर आयो, पहन कर दिखाओ ना। लल्ला मैं अभी आई। हाँ यशोदा, यशोदा देख तो लो। बाबा, वस्त्रों और आभूषणों से कुछ नहीं होने वाला। तू क्यों खिलखिला रहा है? मैं तो बस इसे संभाल कर रख। तू चुप कर लल्ला। देखा लल्ला, बस तेरी मैया मान नहीं वाली। उपहार मिल गया है तो देखना कैसे मेरी पसंद का भोजन कराएगी। भोजन में स्वाद चाहिए तो मनाने का कोई और ढंग खोजना पड़ेगा। यशोदा, तीव्र भूख लगी है। अरे भाई शीघ्र खाना लगाओ और हाँ थोड़ा अच्छा सा चटपटा भोजन करा देना। अब देखना अच्छे अच्छे पकवान लेकर आएगी। सूखी रोटी और माखन। जो अपनी पत्नी को पूरी बात ना बताते उन्हें 56 भोग ना मिलता भोजन में। भले ही मनाने के लिए नए वस्त्र क्यों ना लाएं। हाँ नहीं तो वाह, ये सूखी रोटी और माखन में भी क्या स्वाद है। बस भोजन के साथ तुम ऐसी दो मीठी बातें कर लेती तो आनंद आ जाता। आनंद तो कछु पतियों को अपने पत्नियों से बातें छुपाने में भी बहुत आता है लल्ला।
देख लल्ला, जब तू बड़ा हो जाएगा ना तो अपनी जीवन संगनी से सब कुछ बताइयो, कुछ भी छुपाइयो मत। तभी तो तू अच्छा पति कहलाएगा ना, ना तो रूखी सुखी मिलेगी खाने में। हाँ, अब तक तो चुप्पी साध कर बैठी थी, कम से कम ताना तुम्हारा। ये प्रसन्न होने की बात नहीं है बाबा, अब तक तो केवल बदली छाई थी। ये संकेत है कि अब बादल भी गरजेंगे और वर्षा भी होगी। यशोदा, कब तक बात ना करोगी, अब तो क्षमा कर दो। रानी भाभी आ जाओ। रानी भाभी, ज्योति जी के यहाँ से कोई आया था और जी मुझे कंठक दे के चलोगे। ओ, दे दो। नारायण भली करे। कंठक किस लिए? तुझ पर इतने संकट आ रहे हैं ना लल्ला, इसीलिए ज्योतिषी जी से कह के जे यंत्र वाला कंठक मंगवा रहे तेरे लिए। अब किसी और को तो तेरी चिंता है ना, बस क्या बतानो है क्या छुपानो है यही चिंता रह गई है। यशोदा, चिंता मुझे भी, तभी तो बता ना पा रो कि हमारे लल्ला पर आने वाले संकटों के पीछे कोई और ना, स्वयं कंस। और उनका सत्य आप भी जितना शीघ्र जान लेंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। गोकुल में पल रहे उस बालक के रूप में स्वयं विष्णु धरती पर आए हैं। स्वामी, लगता है रात्रि भर नींद नहीं आई है आपको। पूतना मारी गई, श्रीधर भी गया, केवल इसलिए कि आप देवकी और वसुदेव के समक्ष दुर्बल पड़ गए। संतानों के जन्म के लिए आपने उन दोनों को जीवित छोड़ दिया। आपसे छल करके वो दोनों आनंद में हैं और आप सही से विश्राम तक नहीं कर पा रहे हैं। स्वामी, यदि आपके स्थान पर मैं होती ना तो उन दोनों को ऐसा कठोर दंड देती कि उचित समय पर हस्ती पहले मैं उन दोनों के उस मायावी बालक का वध करूंगा, फिर उन दोनों को अपने पैरों के तले कुचल दूंगा मैं। किंतु जब तक ऐसा नहीं होता तब तक उन्हें जीवित रहना होगा, क्योंकि उस शिशु विष्णु के विरुद्ध वो ये दोनों मेरा सुरक्षा कवच है। चिंता करो कंस मामा, आपका ध्यान अपने ऊपर से हटने दूंगा, तभी तो कुछ और सोच पाओगे। पुत्र होने का दायित्व मुझे दोनों के प्रति निभाना होगा, चाहे वो मुझे जन्म देने वाले माता पिता हो या मेरा लालन पालन करने वाले मैया और बाबा, जो इस समय युद्ध के लिए तैयार है। कम से कम मुझे बता तो देती ज्योतिषी से परामर्श ले रही हो, मैं ले चलता हूँ तुम्हें। सुन रहे लल्ला, इस संसार में सारा अपराध स्त्री का ही होता है। बात अपराध की ना है यशोदा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि मुझे अगर ये बात बताई होती जान तो... मुझ के ना बताई, तनिक आपको भी तो पता चले अपनों से कछु छुपाने पर कैसा लगता है।
युद्ध तो घमासान होता जा रहा है। इसी कारण बस यदि मैंने कछु ना बताया तुमको तो क्या तुम उसका प्रतिशोध लोगी मुझसे? हे नारायण, ये क्या कहना चाहते हैं? क्या इतनी कठोर हूं मैं? लल्ला के लिए एक छोटा सा निर्णय तो लियो मैंने, अपने लल्ला पर क्या इतना भी अधिकार ना है मेरा? अब क्या हर बात पर अनुमति लेनी पड़ेगी मुझे? इससे पहले कि ये आंसुओं की वर्षा क्रोध की आंधी में बदल जाए, मुझे ही कुछ करना होगा। यशोदा, मैं, मेरे कहने का अर्थ, यशोदा बात तो सुनो। सुनने को बचो क्या है अब? आप बस कृपा करके मुझे उन सभी बातों की सूची दे दो जिन जिन के लिए मुझे आपसे आज्ञा लेनी है। उठना बैठना खाना पीना सब आपसे पूछ कर ही करूंगी अब। अरे आप बोलो तो क्या हुआ? देखो आपने, पहली करवट ले ली। बहुत सही समय पर ली है, हमारा झगड़ा भी समाप्त करवा दियो। यशोदा भाभी, तुम दोनों ने झंड भर की देरी कर दी, अभी अभी लल्ला ने पहली करवट ली है। हाय, सच्ची? अब भूला जानकी, तुम पूरे गोकुल में मिठाई बटवाओ। गोकुल के राजकुमार ने आज पहली करवट ली है। हाँ। और यशोदा तुम? यशोदा, कौन था वो? कहाँ गया? कोई तो है यहाँ। ये आप क्या कर रहे हैं स्वामी? कोई तो था, किसी ने तो मुझे धक्का दिया है। ये संभव नहीं है महाराज, इस कक्ष की सुरक्षा इतनी कड़ी है कि एक चींटी भी बिना सुरक्षा जांच के भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। किंतु ऐसा हो सकता है जब वो विष्णु अपनी माया का प्रयोग करे। इस कार्य के लिए आपको किसी ऐसे का चुनाव करना होगा जो मायावी हो, जो अपनी इच्छा शक्तियों से कहीं भी आ जा सकता हो, जो कि इस वातावरण का, इस प्रकृति का हिस्सा लगे, जैसे कि कोई पशु पक्षी। अस्ति, कभी कभी तो मैं इस दुविधा में पड़ जाता हूं कि तुम अधिक बुद्धिमान हो या कपटी। मैं जानता हूं कि अब मुझे किसे भेजना है, कौन है इस कार्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त। यशोदा, यशोदा, अह
अवश्य ही पूरे गांव में ढिंढोरा पीट पीट कर बता रही होगी सबको। हे प्रभु, आज ना मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज मेरे लल्ला ने अपने बड़े होने का पहला संकेत दियो है, देखो ना आपने। हमारा झगड़ा अभी समाप्त ना हुआ है। तुमको अभी बात ना करनी मैया, अब मान भी जाओ ना। यशोदा, तुम जानती हो ना, मैं जो भी करता हूँ हम सबके भले के लिए करता हूँ। व्यर्थी कुछ ना छुपा तो मैं, इतना तो भरोसा है ना अपने पति पर, है ना? पर फिर भी यदि तुम्हें लगतो है कि मुझसे भूल हुई है तो मुझे क्षमा कर दो। जे क्या कर रहे हो आप? कान तो मुझे पकड़ना चाहिए, आवश्यकता से तनिक अधिक क्रोधित हो गई मैं, नहीं? मुझे पता है मुझसे अधिक मेरा भला बुरा जानते हो आप, मुझे समझना चाहिए ना। यदि आप मुझे कुछ ना बता रहे तो इसमें भी मेरा ही हित होगा। इसे देखो कितना प्रसन्न हो रहा है, और इससे भी प्रसन्न इसकी मैया है। पहले पता होता कि मेरे करवट लेने से आप दोनों का झगड़ा समाप्त हो जाएगा तो मैं पहले ही ले लेता। सुनो जी, मैं ना सुलक्षणा, सुमति और पूरे गोकुल को बता कर आती हूँ कि मेरे लल्ला ने करवट लेना सीख लियो है। ए, ए, फिर से पूरी महिला मंडली का सामना करना पड़ेगा। मैं जा रही हूँ। इस बार चुना है आपने असली योद्धा महाराज। खोदा पहाड़ और निकला कौआ, अवश्य ही आपके मस्तिष्क पर कोई गहरी क्षति पहुंची है महाराज। जो कार्य पूतना जैसी राक्षसी और सूक्ष्म बुद्धि जैसा कपटी न कर सका, वो ये नन्हा सा पक्षी कैसे कर पाएगा? गागासुर, बताओ क्या तुम में वो क्षमता, वो योग्यता है जो मेरे अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है? आप आदेश तो दीजिए महाराज, ऐसा कोई कार्य नहीं जो कागासुर नहीं कर पाए। नंद के घर में जो शिशु है उसे मेरे पास लेकर आओ, किसी भी मूल्य पर। जो आज्ञा महाराज। तो शिशु के विषय में जान तो लो। जितना आपने बताया उतना ही पर्याप्त है महाराज।
ये कागासुर है स्वामी, कंस अवश्य इसे गोकुल भेज रहा है ताकि वो हमारे पुत्र को हानि। कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं। अब इधर हमारा झगड़ा बढ़ो और उधर लल्ला ने पलटना आरंभ कर दियो, फिर प्यारी सी किलकारी मारी और ऐसे करके पलट गो। क्षणमल को तो ऐसा लगो जैसे देखते ही रह गए। जशोदा जी अब तक 10वीं बार बता चुकी हो। अरे क्या बता चुकी है, मुझे ना बताएगी तो अब फिर से पूरी हरिकथा सुननी पड़ेगी। नारायण नारायण मौसी, आओ सुमति। कैसे हो नीलमणि? मैं उज्जवल, मित्रता करोगे? देखो मेरे पास हिरण भी है, घोड़ा भी है, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र बनूंगा। ये तो सत्य है, तुम मेरे बहुत काम आओगे मित्र। उज्जवल लल्ला को ना सता, जा उधर जाके खेल। हाँ क्या हुआ जीजी, कैसे हुआ बताइए ना। आज ना लल्ला ने पहली बार करवट ली है। ठहरो यशोदा जी, बार बार बताने से अच्छा है नीलमणि से कहो एक बार फिर करवट लेके दिखाए। जी अच्छा सुझाव दिया है तूने। लल्ला करवट लेके दिखा। क्या हुआ बोलो ना लल्ला को, जे तुम्हारी बात थोड़ी ना टालेगो। लल्ला करवट लेके दिखाएगो ना सबको। देखो कैसा हंस रहे जे, अभी करवट लेगो। लल्ला शीघ्रता से करवट ले ले, चल। सब ऐसे देख रही है जैसे नटनटी का खेल देखने आई हो। नीलमणि चल, मेरे कहने में करवट लेकर दिखा दे, मैं तो तुझे बहुत प्रिय हूँ ना। हाँ आप प्रिय तो हो, पर शेष सब भी तो प्रिय है मुझे। बालक मेरी कही मानते हैं, नीलमणि भी मानेगो। क्यों लल्ला मानेगो ना, चल पलट के दिखा। अच्छा अच्छा तुतलाने की आवश्यकता नहीं है, सामान्य भाषा समझ आती है मुझे। जे किसे की ना सुनेगो, बस मेरी मानेगो। चल लल्ला पलट के दिखा। इतना अहंकार, अब तो बिल्कुल नहीं लूंगा करवट। बस एक बार अपनी मैया की कही मान ले। जे क्या कर रहे हो, अपनी मैया की लाज ना रखेगो। यशोदा जी लगता है लल्ला को समझ नहीं आ रहा कि हम सब उसको क्या करने के लिए कह रहे हैं। जी सही कही तूने, इसे करके दिखाना पड़ेगो। उज्जवल इधर आ। अच्छा 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 उज्जवल करवट लेके दिखा लल्ला को। अरे ताई जी करवट, इतनी सी बात, कोई बड़ा कार्य करने को कहती आप। अरे करवट तो मैंने जन्म लेते ही सीख लिया था, कभी कभी तो ऐसी करवट लेता था कि पूरा गोकुल। बस बस बड़बोले, अभी बातें कम कर और करवट लेकर दिखा। अरे उज्जवल ऐसे ना, ऐसे ना, पूरा लेट जा लेट जा। हाँ अब तू करवट लेके दिखा। देख लल्ला करवट लेके दिखा। उज्जवल तनिक फिर से करियो ऐसे। नीलमणि मैं तो तेरे संग खेलने आयो था, यहाँ तो व्यायाम करना पड़ रहा है। लल्ला चल वहां जाके खेल। जशोदा जी आप नंदराज के साथ फिर से एक बार झगड़ लियो, क्या पता आप दोनों को झगड़ते देख नीलमणि फिर से करवट ले ले। ये भी बढ़िया सुझाव है तूने। सुनो जी। ना यशोदा बोलना भी ना। अरे
अरे इन्हें आपस में कहाँ उलझा रही है, लड़ना झगड़ना तो तेरी कला है, क्यों री सुलक्षणा। कोई बात ना है जीजी, अब तो करवट बदलना आ गया है इसे, फिर कभी देख लेंगे, है ना। हाँ हाँ चलो, पर फिर आएंगे। हाँ ठीक है जीजी, ना कोई ना जाएगा लल्ला का करवट देखे बिना। थोड़ा समय और रुक जाओ, कितनी देर करवट ना लेगो, ये शीघ्र ही लेगो, धनी को और प्रतीक्षा कर ले, लेगो ना लल्ला करवट। तुम सबने बहुत सताया है मुझे, अब मेरी बारी है, ऐसे ही बैठी रहो और करो प्रतीक्षा। कस्तूरी कहाँ देख रही है, लल्ला को देख, नहीं तो जे करवट ले लेगो तू रह जाएगी। जानकी बैठ जा। इतनी भी क्या शीघ्रता है, भूख लगी है क्या, मैं कछु ले आती हूँ खाने को। किंतु कोई अपने स्थान से हिलेगा ना, और दृष्टि तो बिल्कुल ना हिलनी चाहिए, समझ आई। लो मैं तो इनको सता रहा था, उल्टा मैया पर ही आओ भगत का दायित्व पड़ गया, इससे तो अच्छा है मैं करवट ले ही लूं। ले रही है, देखो तुम सबने, कितना अद्भुत था ना। ना देखो। नहीं जी जी, हम सब फिर से चूक गए। आओ कागासुर, अब सब मिलकर करेंगी तुम्हारा स्वागत। कैसा कागा है रे तू, तेरे कारण मेरी सहेलियां नीलमणि का करवट ना देख पाई, अभी आना था तुझे। खैर अभी बताती हूँ तुझे। ठहरिए, हमें कौओं का अपमान ना करना चाहिए, हमारे पूर्वजों के प्रतिनिधि होते हैं जी, अपितु हमें तो इनका सत्कार करना चाहिए ताकि सनी की वक्र दृष्टि हम पर कभी ना पड़े। क्षमा करना कागा महाराज। कागा महाराज नहीं मैया, कागा सुर है ये। जइयो मतीना, मैं अभी आपके लिए दही चावल लेके आई। तो ये है वो। क्षमा करना काका महाराज, चलो भोजन कर लो। हाँ हाँ कागा महाराज खा लो, नहीं तो जैसे लल्ला की करवट लिए बिना हम यहाँ से नहीं जा पा रहे, वैसे ही जशोदा जी आपको ये खाए बिना यहाँ से जाने ना देगी। तुम कहना क्या चाहती हो सुलक्षणा, हट करती हूँ मैं, बिल्कुल ना, है कि ना। हाँ 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 जी हाँ, हम सबसे कुपित हो गए कागा महाराज, सब विनती करो जे खा ले। थोड़ा सा तो खा लो, कैसे खाऊं ये घास फूस, केवल कोमल मांस खाता हूं मैं, सेवा ही करनी है तो वो लेकर आओ। हाल हो ना काग महाराज, कहीं हम पे शनि देव की वक्र दृष्टि ना पड़ जाए। शनि की दृष्टि पड़े ना पड़े, मेरी दृष्टि पड़ चुकी है उस पर जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। अब कितनी प्रार्थना करवाओगे कागा महाराज, खा भी लो। ये सब तो पीछे ही पड़ गई, इनसे मुक्ति पानी है तो खाना ही पड़ेगा। ये तो बस आरंभ है कागासुर,
तुम्हारा असली स्वागत तो मैं करूंगा। नारायण का बहुत बहुत धन्यवाद। काका महाराज ने खा लो। नारायण का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम यहाँ से जा सकते हैं। हाँ, चलो चलो चलो। हो गया महाराज, आज का आतिथ्य बहुत हो गया, अब कल आइयो। अरे सब, अरे सुनो तो सब। यशोदा, मैं तनिक गांव की व्यवस्था देख कर आता हूँ। ठीक है जी, जाओ। आज बहुत नखरे दिखाए तूने लल्ला, किंतु प्रतिदिन ऐसा ना चले को, अपनी मैया की कही माननी पड़ेगी, समझ आई? कछुआ की कढ़ाई तो ना कर रही मैं। अच्छा ठीक है, थोड़ी बहुत शैतानी कर लियो। आज मेरे लल्ला ने करवट ली है, फिर बैठना सीखेगो, फिर चलना दौड़ना, फिर खेलना भी सीखेगो। नए नए मित्र बनेंगे, इन सब में अपनी मैया को भूल तो ना जाएगो। बोल। कितनी बात करती है ये, और वो भी ऐसे जैसे बालक को सब समझ में आ रहा हो। माँ की हर बात संतान को बहुत अच्छी तरह समझ में आती है कागासुर, पर ये तुम नहीं समझोगे। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये कैसी ध्वनि है? कौन है रसोई में? उज्ज्वल, ये सब तूने करो है? ना ताई जी, ना। ना ताई जी? मैं सच्ची कह रहा हूँ, वो कौवा था, पुरुष, और कौवा। चुप, मैं सब समझ रही हूँ, बहाने बना रहा है ना? ये क्या गति कर दी मेरे रसोई की? अवश्य ही कछु खाने के लिए ढूंढ रहा होगा, है ना? ना ना ताई जी। चले आगे से ऐसा मती ना करियो, समझा? अब जा, लल्ला का ध्यान रखना। चिप, मुंह पोछ, जा मुंह पोछ, जे आएंगे तो तुझे घर छोड़ाएंगे, जा। सब समेटना पड़ेगा, कुछ और गिराना शेष रह गया है तो जाओ, नहीं तो
कौवा पुरुष जे आजकल के बालक। मैया है सुमति और जी संकरी मौसी जी कैसी दादी है ने बालक को ही भूल गई। अरे मैं श्वास लेना भूल जाऊं किंतु अपने लल्ला को ना भूलूं। सृष्टि का भार मैं उठाता हूँ और तुम मुझे उठाने का प्रयास कर रहे हो कागासुर। तुम्हारे साहस की प्रशंसा तो करनी ही पड़ेगी। उज्जवल लल्ला के पालने पे दृष्टि रखियो। पालना बचाओ तब तो दृष्टि रखूं। लगता है अपने पंजों की धार बढ़ानी पड़ेगी मुझे। महाराज आपने मुझे कहाँ भेज दिया? महाराज गोकुल में जिस महाबली ने जन्म लिया है वो असुरों के लिए साक्षात यमराज है। महाराज उठ। कर लो बात, कहीं माँ को मेरी शक्तियों के बारे में पता तो नहीं चल गया। क्या बड़बड़ा रहे हो? स्पष्ट बोल। नीलमणि ने फेंक दियो ताई जी। कौवा उड़ गयो और पालना टूट गयो। क्या? अब तक तो उज्जवल ने मैया को सब बता दिया होगा। मैया आने वाली होंगी पर वो इस पालने को ऐसे देखेंगी तो। जानवर को तो तूने मेरे प्राण ही निकाल दिए थे किंतु जे पालने की दिशा किसने बदली? हाँ जे तो सीधा रखा था ना। हाँ
जे टेढ़ा किसने किया? बड़ा उपद्रव मचा के रखा है तूने। चल तुझे घर छोड़ के आऊं। आज बुरा फंसा ये। सब कहत है दादी के हृदय का टुकड़ा हो तो है पोता, पर आपको तो कुछ पड़ो ही ना। ऐसे कैसे कोई बच्चे को भूल कर आतो है? जीप तो देखो इसकी कैसे कचर कचर चल रही है। बालक तेरो है कि मेरो? मेरो है, पर आपका पोता ना है। ध्यान देने के नाम पर आप तो दायित्व से। जीजी वो ये। अरे एक दूसरे को दोष देने से भूल सुधर ना जाएगी। आप दोनों मान क्यों ना लेते कि भूल दोनों ने की। आप दोनों को ही ध्यान न रहो कि इसे आप इधर ही भूल गए हो। हाँ जसोदा भूल तो हो गई है। जीजी क्षमा कर दियो। अरे मुझसे क्षमा मांगने से क्या होगा। हाँ क्षमा तो मांगनी होगी। अरे इसने इतनी शैतानी की है, इतनी शैतानी की है, पूरी रसोई अस्त व्यस्त कर दियो, पूरा पालना हिला के इधर से उधर कर दो। नाना मैंने ना करो ये सब। मैं सच्ची कह रहा हूँ, जिस कौए को भोजन खिलाया था उसी ने करो है ये सब। लो सुन लो। फिर बड़ी बड़ी हाँकने लगो, कच्छु मती बोल और डांट पड़ेगी तुझे। अरे बात तो सुन ले उसकी। हाँ लल्ला बोल। मैं सच्ची कह रहा हूँ अम्मा, अपनी आंखों से देखो है मैंने। वो कौवा बनकर आयो था और फिर राक्षस बनकर पूरा सामान गिराने लगा। ये बड़बोला स्वयं ही फंसेगा और मुझे भी फंसवाएगा। फिर भयभीत हुआ तू? जीजी आप भी क्यों इसे? ना ना मैं भयभीत नहीं हुआ, मैंने उसे रोक दियो। मैंने कही इतने सारे बर्तन गिरा दिए तूने, इतना साहस तेरा, और वो घबरा कर रुक गए हो। और फिर आप भीतर आ गई ताई जी और वो कौवा बनकर उड़ गए हो। क्यों ऐसे कथा बनाते है लल्ला? तभी तो सब तुझे महाबड़बोला बुलाते हैं। विश्वास करो मैया, मैं महाबड़बोला नहीं हूँ, वो नीलमणि महाबली है। हैं? हाँ ताई जी, जब रसोई घर से निकलकर उस कौवे ने नीलमणि पर आक्रमण करो तो जो हमारे महाबली ने जो उसको आसमान में फेंको है, सीधे द्वार के पास मथुरा पहुंच गए होगो। सच्ची कह रहा हूँ। एक तो इसे भूल गई, उस पर से हंस रही हैं दोनों, हैं? सुमति संतान का मूल्य जानती है? हाँ एक संतान को पाने के लिए मैया कितनी जतन करती है पता है तुझे? जे कान बरसों तरसते हैं मैया स्वर सुनने के लिए, तब जाके जे सौभाग्य मिलतो है। और संकरी मौसी आप तो जानती हो ना संतान का महत्व, फिर भी भूल गई इसे? ऐसे पालन पोषण करते हैं क्या अपने बालक का? अच्छा अब ध्यान रखना। हाँ प्रणाम पंडित जी। नारायण नारायण। नारायण नारायण पंडित जी। मैं सोच ही रही थी जन्म नक्षत्र उत्सव का मुहूर्त पूछने के लिए आपको बुलावा भिजवा दूं। मैं उसी के लिए आया हूँ रानी जी। अच्छा जसोदा हम चलते हैं। क्या जय आपका सुपुत्र? वाह रे मैया। उठ 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 देखो मूर्ख, जाने से पहले कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अयोग्य कहीं का।
महाराज ने अपने शत्रु को मारने के लिए जिस असुर को भेजा था वो उनके दरबार में आकर गिरा है। बहुत घायल है बेचारा। स्वामी, स्वामी हमारे देवकी, धीरे बोलो। हमारे पुत्र ने कागसुर को हरा दिया स्वामी। मैंने पहले ही कहा था देवकी, उसे कुछ नहीं होगा। आपने सही कहा था स्वामी, मुझे आप पर और भगवान श्री नारायण पर विश्वास रखना चाहिए था। मेरे माता पिता की गुप्तचरी करना इतना आसान नहीं है। कंस चाहे कुछ भी कर ले परंतु मैं ये कह रही थी स्वामी कि कंस चाहे कुछ भी क्यों ना करे परंतु वो है तो मेरे भैया ही ना, वो हमारे बारे में अवश्य ही सोचेंगे। आज नहीं तो कल वो अपने प्रिय बहन को हृदय से लगा ही लेंगे। सही कह रही हो प्रिय। आपकी आशंका सही थी महाराज, कोई तो है यहाँ पर, कहीं वो मायावी विष्णु तो नहीं। उत्कच, तुम कितने वर्षों से दिखाई ही नहीं दिए। वायु का तन है, दिखना कठिन है, कहीं आने जाने के लिए किसी जड़ या चेतन वस्तु का सहारा लेना पड़ता है महाराज। लगता है मैं यहाँ सही समय पर पहुंचा हूं। बहुत कुछ हो रहा है महाराज यहाँ। क्या क्या कहना चाहते हो? संसार में जो आपको सबसे अधिक प्रिय थी, आपकी बहन आपके ही महल में बंदी है। मायावी कगासुर दरबार में बेहोश पड़ा है और गोकुल का वो बालक आपका शत्रु आज भी जीवित है। अरे चिका करो लल्ला, इससे खेलने में समय है तुझे अभी। पंडित जी जी गणना के अनुसार जन्म नक्षत्र के पूजा उत्सव के लिए कल का मुहूर्त बहुत ही अच्छा है, तो आवश्यक वस्तुओं की सूची बना देता हूँ। कल का मुहूर्त? नाना पंडित जी, कल तो बहुत शीघ्र हो जाएगा, उत्सव तो बड़ा होना चाहिए ना, इतनी सारी तैयारी करनी है, कल तक तो ना हो पाएगी। आप तो ना दो चार दिन बाद का मुहूर्त निकालो। पंडित जी, यदि कल का मुहूर्त शुभ है तो हम ये पूजा कल ही करेंगे। हर कार्य को बड़ा करना आवश्यक थोड़ी ना, निकट के मित्र संबंधियों के साथ कर लेंगे। किंतु पंडित जी, आप सूची बना दीजिए, कल सारी तैयारी हो जाएगी।
तैयारी के साथ ही आते हो, पूरी जांच पड़ताल के बाद सारी सूचना इकट्ठी करके। उत्कच, तुम्हारी ये बात हमको बहुत अच्छी लगती है, पर आपको ये सुनकर अच्छा नहीं लगेगा महाराज कि आपकी बहन और आपका बहनोई आपसे कुछ छुपा रहे हैं। उस विषय में चिंता मत करो, तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम्हारे भीतर गोकुल जाके नंद के उस दुष्ट शिशु के प्राण लेने का सामर्थ्य है भी या नहीं। वो कोई साधारण शिशु नहीं है। चुप मूर्ख, अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करने में मेरा क्या लाभ महाराज। अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करने में मेरा क्या लाभ महाराज। इतना दुस्साहस, ये मत भूलो कि तुम अपने महाराज से बात कर रहे हो। सदैव ही लेन देन का व्यापार करते आए हो, उचित है। बताओ क्या चाहिए। अधिक कुछ नहीं महाराज, बस एक रथ, ताकि मुझे कहीं आने जाने में समस्या ना हो। एक सेवक, ताकि मुझे कोई श्रम ना करना पड़े। एक अच्छा सा घर, जिसमें मैं बिना किसी व्यवधान के शांति से निवास कर सकूं। बस मैं तुम्हें घर नहीं, भव्य महल दूंगा। सेवक सेविकाओं की सेना तुम्हारे आगे पीछे नृत्य करेंगी, और यात्रा के लिए होंगे एक से बढ़कर एक उत्तम घोड़ों से सुसज्जित रथ। तो बस महाराज, समझ लीजिए आपका कार्य हो गया। उतना सूक्ष्म बुद्धि मैं, और अब तुम। उस विष्णु अवतार का सामना करना आसान नहीं है उत्कच। पराजय बहुत कुछ सिखाती है, और ये मूर्ख उचित कह रहा है। ये भूल रहा है महाराज कि मैं अन्य किसी की तरह नहीं हूं कि कोई हाथ बढ़ाए और मुझे पकड़ पाए। आप स्वयं विचार कीजिए, आपका शत्रु जिसे देख नहीं पाएगा उसे हानि कैसे पहुंचाएगा। मेरे उपहारों का प्रबंध करना आरंभ कर दीजिए महाराज। अब मैं उन्हें तभी लेने आऊंगा महाराज, जब शिशु के रूप में आपकी समस्या जड़ से समाप्त हो चुकी होगी। यशोदा, पूजा के लिए रोली मोली तो है ना घर पे? आपको ही पता होगा। और धूप बत्ती वो तो होगी ना? आपको ही पता होगा। भोग के लिए प्रसाद वो तो बन जाएगा घर पे? आपको ही पता होगा। यशोदा क्या कर रही हो, सहायता ना करोगी? आपने ही तो कही थी पंडित जी को कल तक सारी तैयारी हो जाएगी, तो कर लो। आप मुझे क्यों बोल रहे हो? वैसे रूठी हुई भी बहुत अच्छी लग रही हो तुम। रूठी कहाँ हूँ, कल ही की व्यवस्था कर रही हूँ। कोई नई पोशाक दिखाई ना दे रही, कल क्या पहनाऊंगी इसे? पंडित जी थे सामने, इसीलिए तर्क वितर्क ना करो। मैंने सुनो जी, मैं कह देती हूँ, अपने लल्ला का जन नक्षत्र उत्सव बड़े धूमधाम से मनाऊंगी मैं। हाँ नहीं तो। यशोदा, उत्सव से भी अधिक महत्वपूर्ण है पूजा। पूजा हमारे लल्ला के हित के लिए कर रहे हैं ना, कुछ निकट के मित्र संबंधियों के साथ कर लेंगे बस। कैसे कैसे करेंगे आप? जे मोर मुकुट के अतिरिक्त कुछ भी नया ना है लल्ला के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। अपने हाथों से बना हुआ मैंने। तो बस और क्या चाहिए। गए बाबा। जे क्या करो आपने, एक मोर पंख भी ना संभाला जा रहा है आपसे, आप लल्ला को क्या संभालोगे?
एक मोर पंख के लिए इतना क्रोध। अब आप सब छोड़ो और जाओ, अभी नया मोर पंख लेके आओ मेरे लल्ला के लिए, और वो भी वो मोर पंख जो अभी अभी मोर ने गिराया। अब आप देख क्या रहे हो, जाओ ना अभी। हाँ अभी, टूटा हुआ मोर मुकुट थोड़े ना पहने को मेरा लल्ला अपने उत्सव पर। पहले पूजा की सामग्री का प्रबंध कर लूं, ये पूजा की सूची अधिक महत्वपूर्ण है। अधिक महत्वपूर्ण, कहना क्या चाहते हो आप? मेरे नीलमणि के मुकुट का पंख महत्वपूर्ण ना है? यशोदा, इतने कम समय में बिल्कुल नए मोर पंख का प्रबंध मैं कहां से करूंगा? कहां से क्या, आप सीधे बन जाओ, वहां कोई ना कोई मोर नाच ही रहे होंगे, एक आधा नया मोर पंख अवश्य मिल जाएगा। तुम कहना क्या चाहती हो, कि मैं एक मोर पंख के लिए पूरा बन छान मारूं? और नहीं तो क्या, पुरानी रीत है जी, प्यासा ही कुएं के पास जातो है, कुआं चल के प्यासे के पास ना आता। आप दोनों फिर से झगड़ा मत करने लगना, बाबा संभालो ना। अच्छा अच्छा, मैं चला जाऊं, पर पहले पूजा की तैयारी तो कर लूं। वो सब मैं ना जानती, मुझे कल उत्सव के पहले नया मोरपंख चाहिए, कल कोई एक नई वस्तु तो हो मेरे लल्ला के पास। ये समझ ना रही, नीलमणि की सुरक्षा के लिए उत्सव आवश्यक ना है, जन्म नक्षत्र की पूजा है, क्योंकि पूतना की घटना के बाद से हमारे लल्ला पर कंस की भी दृष्टि होगी। हे नारायण, रक्षा करियो। लगता है मक्खी थक गई है, कोई और साधन ढूंढना पड़ेगा। मेरा सकट, मेरी मृत्यु के लिए यमदूत बनकर आ रहे हो शकटासुर, आओ प्रतीक्षा तो मुझे भी है तुम्हारी।